नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जहाँ दोस्तों हम आप सभी के लिए कई किताबों को खंगाल करके, छान करके, जानकारियाँ एकत्रित करके आप सभी के सामने लाते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बेहद लाभकारी होती हैं दोस्तों। तो इसलिए कुछ ऐसे कार्य यानी कि औषधियों से आप सभी को रूबरू कराना, उनके गुणों से अवगत कराना कि किस रूप में इनका यूज किया जाए तो क्या फ़ायदा होता है, इसीलिए हम शोध करते हैं और लाते हैं आपके लिए बेहतरीन जानकारियां दोस्तों। तो आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें या अपनी राय देना ना भूलें। आइए आज के औषधि के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या है गाजर। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी औषधि है गाजर। यूँ तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इससे परिचित हैं दोस्तों, अगर आप कहीं के भी हैं तो गाजर से तो सभी परिचित हैं और कभी ना कभी खाया हुआ होता है। लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो अगर हम जान लें तो हमारे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है ये, क्योंकि हम और उसको तरीके से यूज कर पाते हैं या किस बीमारी में किस प्रकार से गाजर का यूज किया जाए तो लाभकारी होता है। अगर हम जान जाएं तो हमारे लिए और ज़्यादा लाभकारी होता है। हम खाते तो हैं ही हर रोज़ गाजर, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करें कि हमारे लिए वो और बेहतरीन फायदे लेकर के आए, इसे जानने की कोशिश करते हैं आज दोस्तों। गाजर की प्रकृति शीतल, तर और गर्म होती है दोस्तों। इसका रस शरीर व आत्मबल बढ़ाता है। गाजर में शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं। इनमें कोशों एवं धमनियों को संजीवन करने की क्षमता होती है। गाजर के रस में जीवनदायिनी शक्ति है। यौन शक्तिवर्धक, गाजर वीर्यवर्धक है। गाजर पौरुष शक्ति को बढ़ाता है तथा वीर्य को गाढ़ा करती है। गाजर सर्दी के मौसम में आती है। प्रकृति के उपहार गाजर का रस नित्य पिए। दंपति के मिलने के लिए सर्दी का मौसम ही सुहावना होता है दोस्तों। गाजर का नित्य सेवन करें और विवाहित जीवन के आनंद का भोग करें। नंबर वन, गाजर के रस में शहद मिलाकर पीने से यौन शक्ति बढ़ती है दोस्तों। वीर्य गाढ़ा होकर शुक्राणु सशक्त हो जाते हैं। इसे नित्य खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। बीमारियां जिनमें मीठा लेना निषेध होता है, जैसे मधुमेह आदि को छोड़कर प्रायः प्रत्येक रोग में गाजर सेवन की जा सकती है। गाजर खाने की अपेक्षा इसका रस पीना अधिक लाभदायक है। गाजर क्षार प्रधान एवं पौष्टिक गुणों से संपन्न है। गाजर के हरे पत्तों की सब्जी बनती है। गाजर की सब्जी बनाते समय पानी नहीं फेंकें। फल सब्जियों में मिलने वाले खनिज लवण फल सब्जियों को खाने से कुदरती रूप में हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। शरीर के कोशाणुओं का निर्माण खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले खनिज लवणों से होते हैं। हमारे शरीर की सफाई शरीर से निकलने वाले पसीने, मल मूत्र, कफ से होती है। शरीर में खनिज लवण नहीं पहुंचने से शरीर की सफाई पूर्ण रूपेण नहीं होती है दोस्तों। सब्जियां जैसे गाजर, मूली, टमाटर से प्राप्त खनिज लवण पाचक, रोग निवारक और सौंदर्य वर्धक होते हैं। इनके लवण अम्लता के दुष्प्रभावों को नष्ट करते हैं और क्षारीयता बढ़ाते हैं। क्षारीयता होने के कारण रक्त साफ करती हैं। क्षार शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इन सब्जियों में शरीर के लिए आवश्यक सभी खनिज लवण मिलते हैं दोस्तों। कच्ची गाजर चबाकर खाने से सर्वाधिक लाभ होता है। गाजर के पत्तियों की सब्जी खानी चाहिए। गाजर की पत्तियों में गाजर से 6 गुना अधिक लोहा होता है। गाजर के गुण दूध, कार्ड, लीवर ऑयल और लाल पाम के तेल के गुणों के समान होते हैं। जो लोग कार्ड लीवर ऑयल लेना नहीं चाहते हों वे गाजर से समान लाभ ले सकते हैं। गाजर और सेब के गुण भी मिलते जुलते हैं दोस्तों। गाजर की आरोग्य शक्ति, सदा काम करते रहने से शरीर क्षीण होता रहता है। इस क्षीणता की पूर्ति गाजर में निहित तत्वों से हो जाती है, फलतः रोग अनायास ही दूर हो जाते हैं। गाजर का रस पीने से पाचन संस्थान मजबूत होता है। मल में दुर्गंध और विषैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। रस पियो और कायाकल्प करो। जी हाँ दोस्तों, गाजर के गुदे के बीच में सख्त लंबी लकड़ी होती है जिसे गाजर की हड्डी कहते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन नामक औषधीय तत्व पाया जाता है। यह कैंसर पर नियंत्रण करने में उपयोगी है। लंबी बीमारी भोगने के बाद उसकी क्षतिपूर्ति करने में गाजर का रस बहुत ही प्रभावकारी है।
इससे रोगी चुस्त ताजगी और ताजगी से भरपूर और शक्तिशाली बनता है। गाजर कई रंग की होती है, सभी प्रकार की गाजरों के गुण समान होते हैं। काली गाजर में लोहा अधिक होने से यह सबसे अच्छी होती है। पतली और छोटी गाजर स्वादिष्ट और पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। गाजर का रस, जी हाँ दोस्तों, गाजर और पालक के रस में सिका हुआ जीरा काला नमक मिलाकर पीने से गुणवत्ता बढ़ जाती है। गाजर का रस हर प्रकार के ज्वर, दुर्बलता, नाड़ी संबंधी रोग, निराशा की अवस्था में लाभदायक है। सर्दी के मौसम में गाजर के सेवन से शरीर गर्म रहता है और सर्दी से बचाव होता है। विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोग भोजन के रूप में जब गाजर का रस लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। दोस्तों, गाजर में दूध के समान गुण हैं। दोस्तों, गाजर का रस दूध से भी उत्तम है। दूध नहीं मिलने पर गाजर का सेवन करके दूध के सारे गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। गाजर में माता के दूध के समान ही खनिज लवण होते हैं। प्रयोग नंबर 2, गाजर के छोटे टुकड़े 150 ग्राम, 3 कली लहसुन, 5 लौंग लेकर सबकी चटनी बनाकर नित्य एक बार सुबह खाएं, रात को सोते समय 1 गिलास दूध पिए, आपको लाभ होगा। दोस्तों, प्रयोग नंबर 3, गाजर एवं आंवला के मिश्रित रस में काला नमक मिलाकर नित्य पिए, इससे पेशाब के साथ लेसदार पदार्थ भी नहीं निकलेगा। प्रयोग नंबर 4, गाजर कद्दूकस करके दूध में उबाल कर नित्य लें, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, रक्तवर्धक, गाजर पालक चुकंदर का मिश्रित रस 1-1 गिलास नित्य 2 बार पीने से रक्त बढ़ता है। नेत्र ज्योति कम होना, विटामिन ए की कमी से नेत्र ज्योति कमजोर होते होते व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। गाजर विटामिन ए का भंडार है। लंबे समय तक गाजर पालक का 1 गिलास रस पीते रहने से चश्मा भी हट सकता है। पालक और गाजर प्रत्येक का रस समान मात्रा में मिलाकर नित्य 2 बार पिए, केवल गाजर का रस पीने से भी लाभ होगा। दोस्तों, गुहेरी, जी हाँ दोस्तों, 1-1 गिलास गाजर का रस नित्य 2 बार पिए, गुहेरी ठीक हो जाएगी तथा बार बार गुहेरी होना भी बंद हो जाएगा। बालों का झड़ना, गाजर प्याज हरा धनिया की सलाद नित्य खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों, इस सलाद से फास्फोरस अधिक मिलता है जो बाल झड़ना रोकता है। गाजर प्लस पालक के रस का 1 गिलास नित्य पीने से बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, गर्भपात, जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास दूध और 1 गिलास गाजर का रस मिलाकर उबालें, उबलते हुए आधा रहने पर नित्य पीते रहें, गर्भपात नहीं होगा। जिनको बार बार गर्भपात होता हो वे गर्भधारण करते हैं, इसका सेवन आरंभ कर दें। तो देखा दोस्तों आपने कि गाजर हमारे लिए किस प्रकार से बेहद लाभकारी साबित होता है हमारे जीवन में। दोस्तों, कुछ एक और औषधियों को लेकर के हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। दोस्तों, कैसा लगता है हमारा एपिसोड बताना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, खाते रहें गाजर और औषधीय गुणों से भरपूर पौष्टिक फलों को, और स्वस्थ रहें। दोस्तों, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमारा एपिसोड सुनते रहें। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।